नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत जो है, जो चार इसके इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का, थॉर्नवेट का और ट्रिवार्था का। तो भारतीय मौसम विभाग का जलवायु वर्गीकरण और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में जो है कर चुके हैं। आज हम थॉर्नवेट का, राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। अगर आपको जो है वीडियो के ये जो क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी 360 या 480 कर लीजिए, जो है आपको ये जो है पिक्चर वो एकदम क्लियर दिखेगी। थॉर्नवेट अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण किया वो 1931 से 33 के बीच में किया और लास्ट इन्होंने अपना संशोधन 1955 में किया। उसके बाद देखते हैं थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार क्या है। देखिए, जो भी हम जलवायु वर्गीकरण जो चारों पढ़ेंगे ना, उसमें आधार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको चारों के जो भी, चारों ने जो अलग अलग आधार माने हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो थॉर्नवेट ने लिया वो वर्षा को लिया। उसके बाद इन्होंने तापमान को लिया, जिसको इन्होंने वाष्पोत्सर्जन बोला है। और ये वाला जो मान है ना, इसमें इन्होंने वाष्पोत्सर्जन की अधिकता व न्यूनता दोनों आधार इन्होंने लिया है कि अधिकता कितनी है और न्यूनता कितनी है। तीसरा इन्होंने लिया वनस्पति को, यानी आधार है इनके वर्षा, वाष्पोत्सर्जन और वनस्पति। फिर हम बात देखिए, जिस प्रकार से अपन ने जो कल लास्ट वीडियो में देखा कि कोपेन ने कुछ कैपिटल लेटर लिए थे, कुछ स्मॉल लेटर लिए थे, वैसे ही इन्होंने भी अपने जो विश्व की जब जलवायु का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करते समय प्रदेशों में बांटा, तो कुछ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर इन्होंने भी लिए हैं संकेत के रूप में। थोड़ा सा एक बार है जो इनको देख लेते हैं। इन्होंने कैपिटल लेटर लिए हैं पांच। देखते हैं जो ये पांच कैपिटल लेटर लिए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। क्या है इनका मतलब? ए का मतलब है अधिकतर, यानी जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है उस स्थान को इन्होंने ए से संकेत किया है। वहां वनस्पति कैसे मिलेगी आपको? अधिक वर्षा वाले वन होंगे, यानी वहां संघन वन देखने को मिलेंगे। बी, बी संकेताक्षर का मतलब है आर्द्र, यानी अच्छी बारिश। वहां आपको वनस्पति कैसी देखने को मिलेगी? वन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सी, सी संकेताक्षर का थॉर्नवेट के अनुसार मतलब है कम आर्द्र। वहां कम आर्द्र में आपको कैसी वनस्पति देखने को मिलेगी? घास के है जो जंगल आपको देखने को मिलेंगे, बड़े है जो पेड़ वहां देखने को नहीं मिलेंगे। डी, डी का तात्पर्य है अर्ध शुष्क, यानी स्टेपी जंगल। ई का मतलब है शुष्क, यानी मरुस्थलीय। ठीक है, ई ऊपर से चलते हैं, यानी अधिक, यानी देखिए वर्षा की मात्रा के हिसाब से देखें तो ये जो है अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर चल रहा है, ए से ई की तरफ, अधिक से कम वर्षा की। ए यानी अधिकतर, बी यानी उससे कम वर्षा आर्द्र, फिर कम आर्द्र, डी यानी अर्ध शुष्क, ई यानी शुष्क। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ ये चार जो है लेटर और लिए हैं, इनमें डैश लगाया हुआ है, ध्यान रखना इनके डैश लगाए। ए डैश का मतलब है उष्णकटिबंधीय, बी डैश का मतलब है मध्य तापीय, सी का मतलब है न्यून तापीय, डी का मतलब है टेगा। देखिए ये किस तरीके से जा रहा है, ये जैसे अपना ग्लोब है, विषुवत रेखा, यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, फिर बी बीच वाले क्षेत्र मध्य तापीय, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, सी यहाँ न्यून ताप है, तापमान कम है, और डी यानी टेगा यहाँ बर्फीला एरिया है। ये इस तरीके से चले हैं। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स भी लिए हैं,
आर का मतलब है साल भर अधिक वर्षा, यानी ये विषुवतरेखीय क्षेत्र है, ऐसा वाला क्षेत्र है, इसको इन्होंने इससे संकेत किया है आर से। एस का मतलब है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की कमी, यानी ये कौन सी जलवायु हो गई, भूमध्य सागरीय, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। डब्ल्यू का मतलब है शीत ऋतु में वर्षा की कमी, जैसे अपने यहाँ होती है। और डब्ल्यू डैश का मतलब है बसंत ऋतु में वर्षा की कमी। डी सभी महीनों में वर्षा की कमी, यानी रेगिस्तानी इलाका देखिए, वहाँ 12 महीने पूरे वर्ष भर वर्षा नहीं होती, यानी डी रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं वहाँ वर्षा की कमी होती है। तो डी संकेताक्षर ने संकेताक्षर से ऐसे जो एरिया को इन्होंने बताया है, ठीक है, आप हल्का सा इनको याद कर लीजिए। अब उसके बाद में, ठीक है, ये इन्होंने लेटर्स लिए, इस अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम थॉर्नवेट ने राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण किया है। देखिए, थॉर्नवेट ने राजस्थान को चार जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। कोपेन ने कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था, कोपेन ने भी चार जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था, और थॉर्नवेट ने भी चार जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया है, ठीक है। पहले ये चार प्रदेश देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है ई ए डी, ई का मतलब देखिए, अब आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने कैपिटल ई का मतलब क्या लिया था, ई का मतलब उष्ण या मरुस्थली लिया था, और ए डैश का मतलब क्या देखा था, तापीय क्षेत्र देखा था, और डी का मतलब हमने क्या देखा था, डी का मतलब हमने देखा था अर्ध माफी चाहूंगी स्मॉल डी का मतलब था सभी महीनों में वर्षा की कमी। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अब आप समझ गए होंगे कि ई ए डी कौन सा क्षेत्र आया अपना, ये वाला पश्चिमी राजस्थान, क्यों, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध ये मरुस्थलीय जलवायु में आता है, ठीक है। और वर्ष डी का मतलब, स्मॉल डी का मतलब क्या था, वर्ष भर वर्षा की कमी। तो ये पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो आता है, थॉर्नवेट ने इस एरिया को नाम दिया है ई ए डी। देखिए इसमें जो हम जो ये पढ़ रहे हैं, कैपिटल लेटर आ रहे हैं, स्मॉल लेटर आ रहे हैं, डैश वाले लेटर आ रहे हैं, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। आप सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि ये जो राजस्थान का मानचित्र है ना, इस मानचित्र में ये ध्यान रखिए कि पहले तो कितने भागों में बांटा है, चार, आधार क्या लिया है वो ध्यान रखना है, चार भागों में बांटा है। चार भाग कौन कौन से, थॉर्नवेट के अनुसार ई ए डी, डी बी डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू, और इनको जो है ये मानचित्र के ऊपर अपन ने जो किया है प्लॉट, उसको आपको ध्यान में रखना है, एकदम दिमाग में सेट करके रखना है कि थॉर्नवेट का नाम आते ही राजस्थान का मानचित्र सामने आ जाएगा, ई ए डब्ल्यू, डी बी डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू और सी ए डब्ल्यू। ये आप याद कर लेते हो ना, और थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लेते हो कि इन लेटर्स का क्या मतलब है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ई ए डब्ल्यू ये हो गया, इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है ई ए डी का, तो प्रतिनिधि नगर है जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मृदा यहाँ की कैसी है, तो सीधी सी बात है, देखिए चाहे वो कोपेन हो, चाहे वो थॉर्नवेट हो, चाहे वो भारतीय मौसम विभाग हो, चाहे अपना ट्रिवार्था, वो आगे आएंगे, तो यहाँ की जो मिट्टी है क्या वो बदल सकती है क्या। हम लगातार देख रहे हैं, भौतिक विभाग में देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं कि यहाँ की मृदा कैसी है, एरिडोसोल, तो मृदा वो ही आएगी। हम ये देख रहे हैं यहाँ बारिश कितनी हो रही है, तो 10 से 20 सेंटीमीटर हो रही है, तो चाहे कोई भी जलवायु का वर्गीकरण करो वो इस पश्चिमी भाग में वो ही बताएगा कि है जो 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होगी। तो एक बार आप एक चीज़ को अच्छे से, भौतिक विभाग आपने अच्छे से याद कर लिए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम जो चल रहे हैं ना, पहले वीडियो से आप देखते चलिए, जो भी पढ़ रहे हो ना उसको एकदम अच्छे से याद कर लो, उसको दिमाग में बिठा लो, समझ लो, तो आगे के तो कॉन्सेप्ट यूं क्लियर हो जाएंगे, उसी से जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। वनस्पति कैसी है यहाँ की, बताने की जरूरत ही नहीं है, मरुस्थलीय मरुद्भिद, ठीक है।
ये हो गया अपना ईएडी। फिर हम बात करते हैं डीबीडब्ल्यू की। देखिए डी का मतलब हमने क्या देखा था कैपिटल लेटर में, अर्धशुष्क। बी का मतलब मध्यतापीय, यानी ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु में वर्षा की कमी। तो ये हो गया अपना मध्यतापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, डीबीडब्ल्यू, मध्यतापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है इनकी। प्रतिनिधि नगर कौन सा है इसका, तो इसका प्रतिनिधि नगर है बीकानेर। ठीक है, जिले कौन से आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। ये इसमें जो है जिले आ रहे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू डी बी डब्ल्यू जलवायु प्रदेश में आते हैं। वर्षा यहाँ की याद रखनी है आपको 30 से 40 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। अब कई जगह आपको 25 से है जो 35, 20 से 35 भी मिल सकती है। अलग अलग बुक्स में थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, पर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन एग्जाम में जो है आने की संभावना कम होती है, और अगर आ जाता है तो वो डिलीट हो जाता है। तो वर्षा ध्यान रखनी है आपको डी बी डब्ल्यू में, मध्यतापीय अर्धशुष्क जलवायु में कितनी होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। फिर हम तीसरे प्रदेश की बात करते हैं डी ए डब्ल्यू। देखिए डी का मतलब क्या है, अर्धशुष्क, ए डैस का मतलब है उष्ण कटिबंधीय, और डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु में वर्षा की कमी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, उष्ण कटिबंधीय उप आद्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय उप आद्र जलवायु प्रदेश। मैं कहूँ इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है, तो अजमेर जो है इसका प्रतिनिधि नगर है, अजमेर इसका प्रतिनिधि नगर है। इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। फिर हम लास्ट की बात करते हैं सी ए डब्ल्यू। सी का मतलब कैपिटल लेटर में था कम आर्द्र, ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय, और डब्ल्यू का मतलब है शीत ऋतु में वर्षा की कमी। देखिए सब में डब्ल्यू है, क्योंकि हमारे यहाँ शीत ऋतु में सब जगह जो है वर्षा की कमी होती है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। देखिए ये तो था शुष्क, फिर ये आया अर्धशुष्क में, फिर ये आया उप आद्र में, फिर ये आया आद्र में, यानी सबसे कम वर्षा यहाँ, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, और यहाँ राजस्थान की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। प्रतिनिधि नगर की बात करूँ तो इसका प्रतिनिधि नगर है डूंगरपुर, ठीक है। सी ए डब्ल्यू का प्रतिनिधि नगर है डूंगरपुर। यहाँ की वनस्पति की बात करूँ तो यहाँ की वनस्पति कितनी है, कौन सी प्रकार की, सवाना तुल्य यहाँ पर जो है वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ वर्षा कितनी है 50 से 80 सेंटीमीटर, फिर यहाँ आ जाएगी 80 से 100 सेंटीमीटर, यानी 10 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर और 80 से 100 सेंटीमीटर। तो ठीक है, थॉर्नवेट ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, 4, ई ए डब्ल्यू, डी बी डब्ल्यू, डी बी डैश डब्ल्यू, डी ए डैश डब्ल्यू और सी ए डैश डब्ल्यू, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, मध्यतापीय अर्धशुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय उप आद्र जलवायु और आद्र जलवायु। फिर मैं वही बात जो दोहराऊंगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस मानचित्र को है जो अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसको अच्छे से समझ लेते हो तो जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। जो क्वेश्चन कई बार इससे बनते हैं, देखिए वो क्या बनता है, एक तो कि थॉर्नवेट ने जो है जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना है, पहला।
थॉर्नवेट ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ लेगा कि DAW जलवायु प्रदेश है, उसमें कौन से जिले आते हैं, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसलमेर कौन से जलवायु प्रदेश में ये चारों नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, कि इनमें से किसी भी जिले का नाम दे दिया जाएगा और कि ये जिला कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। तो ये मानचित्र आप याद कर लेते हो, और आपको पूछा जाता है पाली कौन से में आता है, तो आपको पता है कि पाली यहाँ है, तो आप DAW आंसर दे दोगे। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो DAW है। ये पूछा जा सकता है कि समानातुल्य जो जलवायु है कौन से में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है CAW में जो है समानातुल्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तापमान और वर्षा ये हम बार बार में देख रहे हैं इन एरियों की, और तापमान और वर्षा दोनों वो ना कम होनी है ना ज़्यादा होनी है, चाहे को वर्गीकरण कोई भी करो, इसलिए वो आपको याद हो ही गई होगी क्योंकि बार बार हम इन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। तो बताइए क्या आपके लिए थॉर्नवेट जो पहले जितना मुश्किल था, क्या अभी भी वो उतना ही मुश्किल है, या कुछ आपके लिए आसान हुआ या नहीं हुआ। अगर आपके लिए थोड़ा समझना आसान हुआ है, समझ में आया है और अच्छा लगा आज का वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब भी हम मतलब ये कॉपेन थॉर्नवेट मतलब स्कूल वाली जो क्लासें हैं, 11th 12th है, ग्रेजुएशन PG, फिर हम कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे सामने ये बार बार आता है। और बचपन में ये लगता था कि ये क्या है, ABC क्या चल रहा है, ये पूरा एक को याद करते थे, दूसरा खिचड़ी बन जाती थी, और हम हमेशा इसको ऐसे करके साइड में रख देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आप किसी भी चीज़ को साइड में नहीं कर सकते, हर एक एक आपको जो है क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। इसलिए आप वो चीज़ है अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि ये क्लासिफिकेशन है वो मैं याद नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। हर बार जब भी पढ़ने बैठो और कहिए, आज तक चाहे मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, आज मैं इसको याद करके ही उठूंगी। मतलब कहते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जैसे विचार करते हैं, अपना कॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से है जो काम करता है। अगर आप कहोगे ये मुझे कभी याद ही नहीं हुआ, ये तो मैं याद ही नहीं कर पाई, तो आगे भी आप उसको याद नहीं कर पाओगे। इसलिए कहिए, आज मुझे ये याद करना ही है, आज तो मैं इसको याद करके ही उठूंगा या उठूंगी। फिर देखिए किस तरीके से जो है आपका दिमाग इसको कैप्चर करता है, एकदम पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है, और आप खुद कहोगे कि आज ये तो मतलब कमाल हो गए, कभी ज़िंदगी में याद नहीं हुआ, और इतनी आसानी से है जो किरण मैडम ने हमारे दिमाग में ये जो चीज़ है फिट की है। पर वाकई में किरण मैडम ने फिट नहीं की है, ये आपने खुद किया है। क्यों? क्योंकि आपने दृढ़ निश्चय किया अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और जैसा आपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट किया, वैसे ही आपके कॉन्शियस माइंड ने फिट किया और इस पिक्चर को आपके दिमाग में फीड कर दिया। तो पढ़ाई करनी है और बिना किसी बर्डन के करनी है, एकदम आराम से, आसानी से, शांतिपूर्वक करनी है, फिर चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। और जब एग्ज़ाम आएगी तो जो है रात को डरावने सपने भी नहीं आएंगे और पसीने भी नहीं आएंगे। आप कहोगे कब आएगी एग्ज़ाम, आने दो, सिलेक्शन हम लेकर रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो एक बार ज़रूर दोबारा इस वीडियो को देखना, और एक दो बार वीडियो को देख लेना, ये मानचित्र जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, तो आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।